ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट को हम जो है स्टेप बाय स्टेप जो है रेडी कर लेते हैं। तो साथ में क्लियर कर रही हूँ कि हमने ऑनलाइन क्लासेस जो है स्टार्ट की हुई है और इसकी फ़ीस हमने जो है आपको जो है 10 पैटर्न्स सॉस के दिए जाएंगे और 1000 में ये वर्क सिखाया जाएगा। तो चलिए आपने क्या करना है, साथ में यूट्यूब से भी बेनिफिट लेना है एंड टेलीग्राम से भी। तो लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, स्टेप बाय स्टेप ब्यूटीफुल सॉस को रेडी कर लेते हैं। जी कैसे हो आप सभी? तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल इजी वे में मैंने जो है यहाँ पर जो है सॉस को रेडी किया हुआ है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसे नीट करके दिखाती हूँ। रिक्वेस्ट वीडियो है, तलवे से ये इस तरह से है। आई होप आज का पैटर्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए मैं मेजरमेंट भी दे दूँगी आपको, बिकॉज 4 नंबर 5 6 नंबर के लिए जो है अलग अलग जो है इसमें फंदे रहते हैं। तो चलिए मेरे स्टाइल में, ठीक है, पिंकी डोगरा द्वारा ये आपको जो है दर्शाया जा रहा है। कई तरह के जो है हमने ऑनलाइन क्लासेस में भी इस तरह के ब्यूटीफुल पैटर्न्स को शेयर किया हुआ है और हील्स के पैटर्न तो मैंने जो है कई टाइप्स के शेयर किए हैं। तो आपने क्या करना है, यूट्यूब का भी बेनिफिट लेना है आपने और टेलीग्राम का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, साथ में क्लियर कर रही हूँ कि इसमें आपने ना देखना है, धागा आपका बारीक है तो फंदे ज़्यादा चढ़ेंगे, ठीक है, और मोटा है तो फिर कम चढ़ेंगे। ये मेरा सॉक्स वाला धागा है तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए करना क्या है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 15 और 16 फंदे मैंने लेने हैं, ठीक है। इसे अब हम जो है निट करेंगे और साथ में आपने क्या करना है, इसमें आपने रो काउंटर का भी यूज़ करना है। तो मैं फंदे चढ़ा के आपको दिखा लेती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है 20 रो प्लान लेनी है, ठीक है। आ जाइए अब नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पर मैंने देखिए काउंटिंग कर लेती हूँ, 2 4 6 8 10 14 16 18 20 22 23 34 34 फंदों को मैंने जो है अब यहाँ पर इस तरह से बनाते हुए जाना है। तो चलिए पहले फंदे बना लीजिए 34। ये स्ट्रेंस ये जो है हमारी 4 और 5 नंबर के लिए बन रही है और यदि आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तब आपने जो है इसमें जो है एक्स्ट्रा फंदे और लेने हैं, ठीक है। वो चाहो तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो और यहाँ से भी। तो चलिए अब हमने करना क्या है, अब 2 कलर का कोई भी पैटर्न, यदि सिंपल नीटिंग वाली चीज़ है तो मैं जाली वाला पैटर्न भी इसमें जो है शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 कलर का पैटर्न लगाते हैं और साथ में हमने जो है यहाँ पर देख लीजिए ये इस बटन का भी यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 कलर के पैटर्न को और अभी जो हमारे यहाँ फंदे हैं ये 50 है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो है क्या करना है, इस तरह से 2 4 5 फंदे निकालने हैं, ठीक है। तो कितनी बार निकालने हैं यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँगी। आपने यहाँ पर कम से कम ये आपने 3 4 बारी ही निकालने हैं, ठीक है। जिस तरह से निकाले हैं तो उसी तरह से ये बैक करते हुए भी जाना है, साथ साथ पैटर्न भी आपका चलेगा। तो पैटर्न को आपने जो है बिग कर लेना है। बिग करने के लिए आपने जो है यहाँ देखिए इसे बैक साइड में ले जाना है। तो आ जाइए, फिलहाल हम जो है इसे नीट करते हुए जाएंगे। ये अब हम इन फंदों को बैक में ले जाएंगे जिस तरह से निकाले थे, ठीक है। तरह से ये यहाँ से जो है ट्रायंगल शेप में आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर कुछ रो प्लान लेनी है, ठीक है। फिर दोबारा से हमने जिस तरह से यहाँ पर 15 20 फंदे निकाले थे ना, तो वैसे ही करते जाएंगे। पहले कुछ रो आप जो है इसमें ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपने जो पैर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्लान रो लेनी है, तो आपने यहाँ पर जो है 8 या 10 रो प्लान लेनी है। फिर दोबारा से प्लान के बाद फिर मैंने यहाँ पर देखिए फिर इन फंदों को वैसे ही निकालते हुए जाना है और अपने पैटर्न को हमने कंप्लीट करना है। ये स्टूडेंट्स, तो अब मेरा ये ऊपर का भाग कंप्लीट होता है। अब मैंने जो यहाँ पर जितने बढ़ाए थे ना हमने 34, उतने हमने जो है लेस कर देने हैं और 16 फंदों को हमने ऐसे ही रहने देना है। तो चलिए अब पहले मैं लेस करके आपको दिखा लेती हूँ। तरह से देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर फिर दोबारा से जैसे स्टिप से हमने स्टार्ट किया था ना, तो उतनी ही हमने जो यहाँ पर रो लेनी है ना, और सभी फंदों को हमने फिर
गैस पकना है। तो चलिए अब लैस कर लीजिए। और साथ में मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो वाला पैटर्न है इससे मिलता जुलता है, ये हमारे टेलीग्राम एक्स क्लासेस का वर्क है, इसी से मिलता जुलता है। साथ में इसमें जो हील का तरीका है तो वो अलग है और इसमें जो है मैं अलग बता रही हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके साइडिंग तलवा किस तरह से नीट करेंगे और बॉर्डर, तो उस वीडियो का आपने वेट करना है। आई होप आज का पैटर्न आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। थैंक यू।